गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई स्मिता चौकसी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम कामरेज स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 15 हाउ मैनी पॉनिटल्स। इट इज़ अवर लास्ट चैप्टर इन द मैथ्स सब्जेक्ट। नाउ वील स्टार्ट लेटर्स इन नेम्स। ओके, लेटर्स इन नेम्स, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके, आस्क योर फ्रेंड्स टू राइट देयर नेम्स ऑन अ पेपर। आपको आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि आप आपके नाम, खुद के नाम पेपर के ऊपर लिखे। अंडरस्टैंड? देन फाइंड आउट, फाइंड आउट द नेम। जैसे कि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने उनके उनके नाम लिखे हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, समझ लो कि किसी का नाम है सचिन। क्या नाम है? सचिन। सो वी विल राइट हियर सचिन, आपके एक फ्रेंड का नाम है सचिन। देन दूसरे फ्रेंड्स का नाम है मुकुल, आदित एंड शीला। देन पवन, किसी एक और फ्रेंड्स का नाम है पवन। अंडरस्टैंड? नाउ फाइंड आउट, अभी हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट द नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विद द सेम लेटर्स। ऐसे कितने नाम हैं जिसका एंड सेम लेटर से होता है? तो सचिन में लास्ट नंबर है, लास्ट लेटर है एन। देन पवन का भी लास्ट लेटर है एन। तो हाउ मैनी? टू। हाउ मैनी? टू। कितने आएंगे? टू। वन लेटर विथ विच नो नेम स्टार्ट्स। ऐसे कौन से ऐसा कौन सा लेटर है जिससे एक भी नाम स्टार्ट नहीं होता है? तो X से भी एक भी नाम स्टार्ट नहीं होते हैं और Z से भी एक भी नाम स्टार्ट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? द नंबर ऑफ नेम्स स्टार्टिंग विद द सेम लेटर्स। ये जो आपके फ्रेंड्स के नाम है उसमें से कौन से दो नाम, कौन से नाम है जो स्टार्टिंग सेम लेटर से होता है? तो सचिन S एंड शीला also from S. So two. Now see fruit seller. Bananas, apples, oranges, fresh fruits for you. Okay. Now fruit seller. The fruit seller has many fruits for you. Fruit seller के पास क्या है? आपके लिए बहुत सारे fruits, banana, apple, orange, ये सब क्या है? Fruits. Look at them and find out what the different fruits are. तो हमें ये देख के ये fruits count करना है और लिखना है। एक column में fruits दी है, दूसरे में number of fruits. तो how many apples? Four. One, two, three, four. Four. How many? Now then banana. How many bananas are there? They counted 1, 2, 3, 4, 5. How many bananas are there? 5. How many? 5. Okay. Then oranges. How many oranges? 3 oranges. Then see, a parrot says, I like guavas. What do you like? पैरट कह रहा है मुझे गुआवास पसंद है। तो आपको क्या पसंद है? तो मैं लिखूँगी आई लाइक ग्रेप्स, बिकॉज मुझे ग्रेप्स पसंद है। सो आई लाइक ग्रेप्स। अंडरस्टैंड? नाउ हेयर स्टाइल्स, अभी हमारा अगला टॉपिक क्या है? हेयर स्टाइल्स। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज़ कॉम्ब हर हेयर। माला स्कूल जा रही है और उसकी मम्मी उसके हेयर कॉम्ब कर रही है। माला हैज़ टू पॉनीटेल्स, माला ने कितने पौनी बनाई है? टू पौनी बनाई है। माला ने कितनी पौनी बनाई है? टू पौनी। हाउ मैनी पॉनीटेल्स? टू पौनी। लुक एट चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपको आपके क्लास के बच्चों को भी देखना है कि वो लोग कितने मतलब किसने कितने जो कॉम करके आते हो, कौन कितनी पौनी बनाते हैं, किसके कैसे होते हैं। ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, सबके हेयर सेम नहीं होते हैं तो सब अलग अलग तरीके से उनके हेयर कॉम करते हैं। अंडरस्टैंड? किसी के छोटे हेयर होते हैं तो वो वन पौनी बनाते हैं, किसी के बड़े होते हैं तो टू पौनीज बनाते हैं, और बॉयज़ होते हैं तो उनकी तो पौनी ही नहीं बनती है। ओके, सो सी वन, यह एक गर्ल की एक पौनी है तो आपको क्लास में देखना है कि कितनी गर्ल्स ने वन पौनी बनाए। तो फाइव गर्ल्स मेक अ वन पौनी। हाउ मैनी गर्ल्स मेक अ टू पौनी? तो देन 20 गर्ल्स। एंड हाउ मैनी बॉयज़ है उधर? 15 बॉयज़ आर देयर, दे आर नॉट मेक अ
pony because they are a boy, they have short hair. Understand? Now find out and fill in the blanks. The number of children with one pony is then the number of children with two pony. One pony ज़्यादा है या two pony ज़्यादा है, तो two pony से one pony कम है तो क्या आएगा, less आएगा. क्या आएगा, less आएगा. One pony कितनी है, five है. Understand? And blank children have, तो 15 कितने boys है, 15. You can see the table. One pony have 5, 20, then 15. Okay, so boys have 15. Now shoe numbers. अभी क्या देखना है हमें, शू के नंबर, मतलब आप लोग जो शूज पहनते हो उसके नंबर के हिसाब से काउंटिंग करना है. लुक एट द फीट ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास. एवरीबडी इज वेयरिंग शूज, चप्पल्स और सैंडल्स. हमें आपके क्लास में, हमें क्लास में देखना है कि सब बच्चे, कोई बच्चे शूज पहनता है, कोई चप्पल्स पहनता है और कोई सैंडल्स पहनता है. लुक एट द सोल ऑफ द शूज और चप्पल्स. हमें शूज और चप्पल को उल्टा करके उसके सोल्स देखने हैं. इफ देयर इज अ नंबर, सो सोल जो होता है ना, चप्पल उल्टे करके देखते हो ना तो नीचे सोल को उसके ऊपर नंबर लिखा होता है. ऑन द सोल, सोल के ऊपर नंबर लिखा होता है. इट इज़ योर शू साइज, उसे क्या कहते हैं, शू साइज. क्या कहते हैं, शू साइज. नाउ उसके हिसाब से हमें ये फिल दिस टेबल, वो देखकर हमें ये टेबल फिल करना है. जहाँ पे एक कॉलम में शूज की साइज दी गई है और दूसरे कॉलम में आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है. अंडरस्टैंड, क्या देखना है हमें, शूज साइज, शूज की, चप्पल्स की और सैंडल्स की. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, तो उसके हिसाब से हम ये टेबल फिल करेंगे. ओके, नाउ सी, फर्स्ट शूज साइज. शूज साइज कितनी कितनी दिया है, फर्स्ट साइज कौन सी है शूज की, 9, 10 and 11. अभी हमें काउंट करना है कि कितने बच्चों ने 9 नंबर के शूज, चप्पल या सैंडल पहने हैं, कितने बच्चों ने 10 नंबर के और कितने ने 11 नंबर के. सो आई विल काउंट 11 नंबर, 11 चिल्ड्रन वेयरिंग अ 9 नंबर शूज, 11 चिल्ड्रन वेयरिंग और 9 नंबर शूज. ओके, देन 10 नंबर शूज, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वेयरिंग 10 नंबर शूज, सो 20. 20 स्टूडेंट्स वेयरिंग 10 नंबर शूज एंड 11, 9 स्टूडेंट्स वेयरिंग 11 साइज शूज. अंडरस्टैंड, हाउ मैनी हैव 9 साइज शूज, 9 नंबर के शूज कितने बच्चों ने पहने हैं, सो 11 चिल्ड्रन. क्या आएगा आंसर, 11 चिल्ड्रन. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद 11 साइज शूज इज, 11 साइज के शूज कितने बच्चों ने पहने हैं, तो 9 स्टूडेंट्स ने. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव, कौन सी साइज के ज़्यादा है, 10. द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव 11, कौन सी साइज, 11. ओके, अंडरस्टैंड. तो आपको ये शूज़ वाला पता चल गया कि 9 नंबर के, 11 नंबर के और 10 नंबर के शूज़ कितने बच्चों ने ज़्यादा पहने हैं और कितनों ने कम पहने हैं. नाउ आवर टॉपिक इज वाटर वी ड्रिंक. वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम लोग रोज पानी पीते हैं, पीते हो ना, और वो अच्छा भी होता है और डेली हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए. आस्क योर फ्रेंड्स हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे एंड राइट बिलो. आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स को पूछना है कि वो लोग पूरे दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं और यहाँ पे उसके नंबर लिखना है. जैसे हाउ मेनी ग्लासेस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले वन ग्लासेस दिया है तो कितने बच्चे वन ग्लास पानी पूरे दिन में पीते हैं, तो 4 बच्चे, 4 स्टूडेंट्स, 4 चिल्ड्रन आर ड्रिंक फॉर 1 ग्लास. देन 5 स्टूडेंट्स आर ड्रिंक 2 ग्लास पर डे. देन 3 ग्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ड्रिंक 3 ग्लास वाटर पर डे, द 9 स्टूडेंट्स, 9 चिल्ड्रन आर ड्रिंक. देन 10 चिल्ड्रन आर ड्रिंक 4 ग्लास इन पर डे. देन 12 चिल्ड्रन आर ड्रिंक 5 ग्लास पर डे. अंडरस्टैंड, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर इज, कितने बच्चे जो है पूरे दिन में एक ही ग्लास पीते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 4. देन 1, 2, 3, 4, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इज ड्रंक बाय हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो 5 ग्लासेस कितने बच्चे पीते हैं, 12. कितने बच्चे पीते हैं,
12 बच्चे जो है वो 5 ग्लासेस पानी पूरे दिन में पीते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक 3 ग्लासेस ऑफ वाटर इज ब्लैंक देन चिल्ड्रन हु ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। अभी ज़्यादा बच्चे पानी कौन कितने ग्लास पीते हैं, मोर देन 3 और 2, तो कितने आएंगे, मोर, क्या आएगा, मोर, थ्री ग्लासेस जो है वो ज़्यादा बच्चे पीते है ना। नाउ द अवर टॉपिक इज़ द कलर यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है वो। देर आर मैनी कलर्स अराउंड यू, हमारे आसपास बहुत सारे कलर्स होते हैं, क्या होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द कलर दे लाइक मोस्ट, हमें हमारे फ्रेंड्स को पूछना है कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, अंडरस्टैंड। देन किसी को येलो पसंद होता है, रेड, ग्रीन, सबका अलग अलग चॉइस होता है। देन हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक येल्लो, राइट द नंबर इन द टेबल, फिल द टेबल फॉर द अदर कलर्स। जैसे कि यहाँ फर्स्ट येल्लो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन दिया है, तो येल्लो कितने चिल्ड्रन को येल्लो कलर पसंद है, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक येल्लो कलर, सो यू हैव टू राइट हियर, जितने बच्चों को येल्लो कलर पसंद होता है उतना आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक येल्लो कलर, डू यू काउंट, येस 15 चिल्ड्रन लाइक येल्लो कलर। देन आफ्टर रेड, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक रेड कलर, डू यू लाइक रेड कलर, मे बी येस और नो, मे बी नो, सो 10 चिल्ड्रन लाइक रेड कलर। देन ब्लू, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक ब्लू कलर, 6 एंड ग्रीन 9 चिल्ड्रन लाइक ग्रीन कलर, ओके, अंडरस्टैंड। येल्लो 15, रेड 10, ब्लू 6 एंड ग्रीन 9, हाउ मैनी, ग्रीन 9, अंडरस्टैंड। नाउ अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, फाइंड आउट एंड कलर द बॉक्स। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक ब्लैंक कलर, सबसे ज़्यादा कलर कितने बच्चों को पसंद, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो येल्लो कलर सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो सो यू हैव टू फिल योर येल्लो कलर। चिल्ड्रन हु लाइक ब्लैंक कलर आर मोर देन चिल्ड्रन हु लाइक ब्लैंक कलर, कौन से कलर से ज़्यादा ये कलर बच्चों को पसंद है, तो पहले ब्लैंक्स में क्या आएगा, जैसे कि येल्लो है, येल्लो बहुत ज़्यादा पसंद है, और उससे थोड़ा कम कौन सा कलर है, ब्लू, तो यू हैव टू फिल वन बॉक्स इन येल्लो एंड सेकंड बॉक्स इन ब्लू कलर, और उससे चिल्ड्रन, नाउ सी चिल्ड्रन हु लाइक ब्लैंक कलर आर लेस देन चिल्ड्रन हु लाइक ब्लैंक कलर, किससे कम, कौन सा कलर ऐसा है जिसे कम कलर बच्चों को पसंद है, जैसे कि येल्लो तो 15 थे और ब्लू 10 है, अभी 6 ग्रीन कलर कितना है, 6 और रेड कलर 9, ओके, सो यू हैव टू फिल ग्रीन फर्स्ट बॉक्स इन ग्रीन एंड सेकंड बॉक्स इन रेड, अंडरस्टैंड। सो चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस चैप्टर, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय।